हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में बिजली कर्मियों का बेमियादी धरना, जिला कलेक्टर पर पुलिस अधीक्षक के आश्वासन पर 10 दिन तक धरना स्थगित। जिले के रामसर उपखंड के अधीन आसाडी जीएसएस पर 28 जून को इंजीनियर और सुपरवाइजर पर हुए जानलेवा हमले, राजकार्य में बाधा पहुंचाने एवं एससी एक्ट के तहत दर्ज मामले में घटना के बाद 17 दिन भी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित बिजली कर्मचारी व अधिकारी गुरुवार को जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। पुलिस अधीक्षक व जिला कलेक्टर से हुई वार्ता के बाद 10 दिन के लिए धरना स्थगित कर दिया गया। साथ ही सभी ने चेतावनी दी है कि अगर 10 दिन के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरे जिले में डिस्कॉम कर्मचारी अधिकारी टूल डाउन करेंगे। गुरुवार सुबह अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर विद्युत कर्मचारी अधिकारी संयुक्त संघर्ष समिति का अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। इस धरने में करीब 300 से अधिक कर्मचारी अधिकारी शामिल हुए। धरने को संबोधित करते हुए पीआर अध्यक्ष सवाई सिंह ने कहा कि बिजली कर्मियों के साथ आए दिन मारपीट की घटनाएं हो रही हैं जो कि निंदनीय है। निगम प्रशासन को चाहिए कि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाए, साथ ही पुलिस आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करे। इंटक अध्यक्ष पेमाराम चौधरी ने कहा कि एक और जहां निगम प्रशासन द्वारा हम सभी पर राजस्व वसूली सतर्कता जांच करने के निर्देश दिए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर अपराधियों द्वारा कर्मचारियों के साथ जानलेवा हमला एवं राजकार्य में बाधा पहुंचाई जाती है। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष रमेश पवार ने कहा कि आज दिया गया धरना मात्र एक टेलर है। अगर इतने में पुलिस प्रशासन द्वारा जानलेवा हमले के आरोपियों की 10 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे जिले में टूल डाउन व पेन डाउन कार्य का बहिष्कार किया जाएगा, जिसकी की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन, जिला प्रशासन व निगम प्रशासन की होगी। धरने को संबोधित करते हुए एटक अध्यक्ष रुक सिंह ने कहा कि आज कर्मचारियों में इस बात को लेकर भारी रोष है कि निगम कर्मचारी के साथ हुए हमले के बावजूद भी आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन बिजली कर्मियों के धैर्य की परीक्षा न ले एवं शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी करे। धरने पर धीरज खन्नी, राणमन खन्नी, ललित बकोलिया, जितेंद्र राठी, रमेश चौधरी, अमित कुमार, मोतीलाल जेठाराम शर्मा, मयूर अग्रवाल, रुक सिंह राजपुरोहित, गणपत प्रजापत, राजेंद्र चौधरी, मीर मोहम्मद, बाबूलाल सेन, पीड़ित डलाराम, गौतम कुमार सहित पूरे जिले से कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। बाद में धरने पर अधीक्षण अभियंता अजय माथुर ने धरना स्थल पर पहुंचकर ज्ञापन लिया एवं निगम स्तर से पुलिस प्रशासन के साथ की गई वार्ता एवं आश्वासन की जानकारी दी। इसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल सहायक अभियंता उमेद राम चौधरी के नेतृत्व में रामसर में जिला कलेक्टर की जनसुनवाई हुई। उनसे मिले एवं जिला कलेक्टर द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 10 दिन का समय देने की बात कही। इसी क्रम में एक प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक द्वारा वार्ता के लिए बुलाने पर उनसे वार्ता की एवं उनके द्वारा जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी करने एवं अब तक मामले में हुई कार्रवाई के बारे में पूर्ण जानकारी दी। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।